उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव के 10 दिन पहले ही बीजेपी ने अपने 33 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। इन नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया है। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि आने वाले चुनाव में इन नेताओं के पार्टी में रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि इन नेताओं से पहले करीब 17 नेताओं को भी पार्टी से निकाला जा चुका है। वहीं बीजेपी के बागी उम्मीदवार राज्य की कई सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के बागी नेताओं को बीजेपी से टिकट देने से कई बीजेपी नेता नाराज हो गए थे और उन्होंने पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी द्वारा कांग्रेस के बागी विधायकों को टिकट दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर कांग्रेस के बागी विधायकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर 18 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर पार्टी में असंतोष नजर आया, जिसके बाद 10 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के पुराने नेताओं ने बागी तेवर दिखाते हुए अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल करना और अपने नेताओं को पार्टी से बाहर करना चुनाव में भाजपा को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निकाले गए नेताओं ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।